और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। झांसी से पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, दोनों के शवों को लेने के लिए आ रही है झांसी। तो झांसी से पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी आ रही है, दोनों के शवों को लेने आ रही है झांसी। तो आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर है, असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी के लिए रवाना हो गए हैं, दोनों के शवों को ले जाएंगे, साथ ही साथ उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यहां पर असद अहमद और गुलाम हसन दोनों के ही परिजन हैं जो कि झांसी के लिए रवाना हो गए हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। और पुलिस के सूत्रों से ये खबर मिली है जहां पर दोनों के शवों को लेने के लिए झांसी पहुंच रहे हैं परिवारजन। आपको बता दें कि असद अहमद और गुलाम हसन के ये परिजन हैं जो कि झांसी पहुंचने वाले, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो दोनों के शवों को ले जाया जाएगा, बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसी के लिए असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन अब इस वक्त झांसी के लिए रवाना हो गई है। तो झांसी पहुंचने के बाद दोनों के शवों को लिया जाएगा, बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें असद अहमद और गुलाम का कल पुलिस से मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर हो गया था, जिसके बाद परिवार शोकाकुल है, लेकिन गुलाम के परिजनों ने पहले शव लेने से इनकार कर दिया था। अब असद अहमद और गुलाम हसन के परिवार जन झांसी के लिए रवाना हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, और दोनों के शवों को लिया जाएगा, झांसी से लेने जा रहे हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसी बीच ये खबर भी आ रही थी कि आज शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं, पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती हैं, क्योंकि वो असद अहमद को उनका चेहरा आखिरी बार देखना चाहती हैं। ऐसे में असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी के लिए आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, ऐसी खबर मिल रही है कि असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी आ रहे हैं दोनों को शव को लेने के लिए। बिल्कुल, तो झांसी से पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी के लिए आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर है, दोनों के शवों को लेने के लिए झांसी आ रही हैं। ऐसे में दोनों के शवों को लिया जाएगा, बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पहले क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी के लिए आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है और पुलिस के सूत्रों से खबर मिली। रतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, खबर मिल रही है कि असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी आ रहे हैं दोनों के शवों को लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी कि जो परिजन निकलने का जिनका दावा किया जा रहा था कि वो प्रयागराज से निकले हैं और झांसी आ रहे हैं, और उसी जगह आ रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा दें कि झांसी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद असद अहमद, जो माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है और शूटर गुलाम हसन के शवों को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन इस असमंजस की स्थिति को ब्रेक किया है आकर के खुद एसपी सिटी जो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह हैं यहाँ के, अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुँचे। हालांकि मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब हमने पूछा कि इस असमंजस की स्थिति का क्या निदान है या क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि दोनों ही परिवार जो लोग हैं गुलाम हसन के और इसके अलावा असद अहमद के, वो परिजन अब यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें आने में 5 से 6 घंटा लगेगा रास्ते में, यानी ये मान के चलिए कि 6 बजे के आसपास और 6 से ज़्यादा यानी 6-7 बजे के आसपास जो परिजन हैं असद अहमद के और गुलाम हसन के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद हैंड ओवर किया जाएगा उनको डेड बॉडी, और वो यहां से फिर उन्हें प्रयागराज लेकर के कहा जा रहा है कि जाएंगे। तो यानी आज क्रिमेशन की जो बात की जा रही थी वो नहीं हो सकता ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 से 7 घंटे का सफ़र वो करके आएंगे, 7 घंटे का सफ़र, और फिर उन्हें प्रयागराज अगर लौटना है तो 7 घंटे का सफ़र उन्हें और करना पड़ेगा, 14 घंटे ही हो जाते हैं। प्रक्रिया पूरी करने में 1 से 2 घंटे जो भी वक्त यहाँ पर लगता है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि रात में, देर रात में तो नहीं लगता कि क्रिमेशन की क्रिया हो पाएगी, इसलिए कल ये माना जा रहा है कि क्रिमेशन की क्रिया ज़रूर कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल इस असमंजस की स्थिति को ब्रेक किया है और इस पर जो अभी स्पष्टता नहीं थी उस स्थिति को स्पष्ट
किया है आके झांसी के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दोनों परिजन अब अपनी डेड बॉडीज, जो असद की डेड बॉडी है और गुलाम हसन की डेड बॉडी है, उसको लेने के लिए झांसी पहुंचेंगे 5-6 बजे के आसपास। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।